अगला सवाल माइक नंबर एक से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज पिंटू देवनाथ एंड आई एम फ्रॉम मालदा वेस्ट बंगाल। सर आई एम एन बीए ऑनर्स, सो आई हैव एन सम क्वेश्चन अबाउट काफिर। सर सम मुस्लिम मेंस आर सेड नॉन मुस्लिम मेंस दैट दे आर काफिर्स, सो मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब, तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर। दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं, खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कसर सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी है क्या इस्लाम की हक्कानियत को झुठलाना, कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या, क्या है नॉन मुस्लिम है ना, अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है काफिर? गाली नहीं ना, काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा, ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है क्या, सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा होता है, आपको लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे, आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है, मतलब आप गैर मुस्लिम है, उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुठला रहा हूँ, झुठला रहे तो है, आपने बोले मूर्ति पूजा कर दे मतलब झुठला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ, एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुठला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुठलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुठलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है, उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम, अरबी हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर वन मोर क्वेश्चन फॉर मी, सर मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होकर मक्का हज करने जा सकते, मेरा पहला क्वेश्चन आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शरायत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। सिविलियन नॉट अलाउड, आप सुन चुकी मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूंगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है चाहिए, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है, वीजा।
वीजा। मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर, अगर ड्रग आपके पास मिला कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ, आप समझे ना। इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है, अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते आर यू अ टेररिस्ट, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा, ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदाई के? हाँ जी। आपको यकीन है कि बुतपरस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है आप आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम अकेले बन के सर, वो तो वो भी वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं अल्लाह ताला उनको पूछेगा, पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल करना चाहते हैं। खुदाई के मानते बुद्ध प्रोसे गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती करा ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं, तो मैं अरबी में कहूंगा दोहराएंगे। Why not? अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु वरसुलुहु वरसुलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं सर। और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पेन है तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह लोग जुरत और हिम्मत से काम ले रहे हैं हक को जानने के लिए, हक को मानने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर कोई है माइक नंबर 2 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मैं शेमा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में
बार बार बोला जाता है। ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूं, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं, ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं, लिखा है सदा सदा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो, अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ वेद की बात कर रहा हूँ, तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर, और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वूर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है, आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है।
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں، اپنی جائیداد کا استعمال مت کرو رشوت دینے کے لیے، رشوت اسلام میں حرام ہے۔ اور اس کا ذکر منوسمتی پارٹ نمبر 9 شلوک نمبر 258-262 میں بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ غلط طریقے سے پیسے بنانا اور رشوت دینا حرام ہے، راجہ انہیں کٹھن سے کٹھن سزا دینا چاہیے ان کے جرم کے مطابق۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالی کم سے کم 4 آیتوں میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا کھانا۔ جس کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے خدا کے علاوہ، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ہندو دھرم کی کتابیں، اس میں بھی لکھا ہے منوسمتی میں پارٹ نمبر 5 شلوکا نمبر 19 میں، اس میں لکھا ہے کہ برہمن سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، خنزیر نہیں کھانا چاہیے، اس کے لیے حرام ہے۔ وشنو سوترا میں لکھا ہے پارٹ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں، اگر کوئی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، سور کا گوشت بیچتا ہے، اس کا ہاتھ یا الٹے پیر کاٹنا چاہیے۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنا چاہیے۔ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے وشنو سوترا میں پارٹ نمبر 5 شلوک نمبر 49 میں، اگر کوئی سور کا گوشت خنزیر بیچتا ہے اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنا چاہیے۔ اسلام میں مرد اور عورت کے لیے حجاب کے بارے میں لکھا ہے، اسلام میں مرد اور عورت کو حجاب کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں، اور کئی جگہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے۔ مختصراً سے اس کے 6 نقطے ہیں حجاب کے۔ نمبر 1 وہ ہے ستر، ایکسٹینڈ۔ آدمی کا ستر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہے ستر عورتوں کے لیے۔ باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے سیم ہے، یکساں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ، کپڑے جو پہنے جاتے ہیں وہ پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے۔ تیسرا، کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا ڈھانچہ دکھے۔ پہلے کے علاوہ باقی 5 نقطے آدمی اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ چوتھا نقطہ، کہ کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کر سکے، اٹ شوڈ ناٹ بی سو گلیمرس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، دوسرے مذاہب کے نشانی والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو حجاب کے بارے میں جس طریقے سے اسلام میں لکھا ہے، الحمدللہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ویسا لکھا ہے۔ رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 33 منترا نمبر 19 میں لکھا ہے، اے عورت، برہما نے تجھے عورت بنایا ہے، اسی لیے نظر کو نیچی کرو، اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ مت دکھاؤ۔ رگ وید میں لکھا ہے
किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको, पुट द वेल, वेल योर सेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने जमाने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं, जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए, अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को खत्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, आप मेरी तकरीर सुनिए, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वादे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं, हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुली मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते। और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में मंत्रा नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 में कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है, आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं, तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को ये अंग्रेजों ने। आए थे तिजारत करने के लिए लेकिन लूट लिया हमारे देश को, और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू
علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمر. اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے, میکسیمم سب سے زیادہ چار بیوی رکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اکثر لوگ اس کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں, او ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, اور ہم مسلمان جواب نہیں دے سکتے. اس کا صحیح جواب میرے باقی تقریر میں سنیے. ابھی وقت کم ہونے کی وجہ سے مجھے تقریر کو ختم کرنا ہے چند منٹوں میں. کیوں اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, آپ میری تقریر سنیے. وومنز رائٹس ان اسلام, خواتین کے حقوق اسلام میں, یا مسکنسپشن ان اسلام, اسلام کے بارے میں غلط فہمی. لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اس تقریر میں کہ ہندو دھرم میں بھی ہندو کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے 1954 میں اسپیشل ہندو میرج ایکٹ میں کہا ہندو مرد ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے. انڈین گورنمنٹ نے کہا, ہندو دھرم شاستر نے نہیں. ہندو کتاب میں کہیں بھی نہیں ذکر ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھنا چاہیے, کہیں بھی نہیں ذکر ہے. میں طالب علم ہوں کمپیریٹو ریلیجن کا, تقابل مذاہب کا, کہیں بھی نہیں لکھا ہے. جب ہم رامائن پڑھتے ہیں اس میں تذکرہ ہے شری رام کے والد کا, پتا کا, کنگ دشرتھ, راجا دشرتھ, اس کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں شری کرشن کا ذکر ہے, شری کرشن کے کتنے بیویاں تھی, 4, 10, 100, 16,108. جب شری کرشنا کے 16,108 بیویاں ہو سکتے تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے. اور وشنو سوترا میں لکھا ہے پارٹ نمبر 24 میں, منترا نمبر 1 میں, شلوک نمبر 1 میں, کہ برہمن 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے, آپ میرے باقی تقریریں سنیے. میں تقریر کے انت میں کچھ نکتے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے, بہت اہم ہے ورنہ تقریر اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ, مکمل نہیں ہوگی. اس دیش کو, ہمارا ملک بھارت, اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا 60 سال پہلے, اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا. آئے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن ان کی ایک پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, بٹوارا کرو اور حکومت کرو. اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا, برباد کر دیا ہمارے دیش کو, لوٹ لیا ہمارے دیش کو. یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لیے لیکن لوٹ لیا ہمارے دیش کو. اور ہمارے تہذیب, ہمارے بھارت دیش کی تہذیب کو خراب کیا. اسی لیے 19ویں صدی کے شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے, مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمرز. اور سب سے اول اور بہترین ریفارمر میں سے, اس کا نام ہے راجا رام موہن روئے. راجا رام موہن روئے کی پیدائش ہے 1772 کی, اور راجا رام موہن روئے نے مہارت پائی انگریزی زبان میں, پرشین میں اور عربی زبان میں. اور وہ سخت خلاف تھے ستی کے, عورت بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پیر پہ جب اسے جلایا جاتا ہے, جب اندر جاتی ہے, جل جاتی ہے زندہ, اسے کہتے ستی, اس کے خلاف تھا. راجا رام موہن روئے نے کوشش کی اپنیشد کو پھیلانے کی. انہوں نے کہا کہ اپنیشد کے ٹیچنگز ہے جو سکھایا گیا اپنیشد میں, اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے. اور وہ سخت خلاف تھے بت پرستی کے. انہوں نے کتاب لکھی 1803 میں,
तोहफा उल मुहिद्दीन एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफा उल मुहिद्दीन, इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलिथियज्म अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है, और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज, और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगे। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्राह्मो समाज और फैलने लगा और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स केम ऑफ ब्राह्मो समाज, लेकिन जितने भी शाखे बने ब्राह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर एक, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है, देवर अगेंस्ट पॉलिथिज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे, इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है, इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते, कास्ट सिस्टम जात पात के खिलाफ थे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था, आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। वाखर दावा नाल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।